नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 जी न्यूज। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के कारण लगातार लोगों की मौत भी हो रही है। पूरा देश जो है कोरोना वैश्विक महामारी से एक तरफ तबाह है, वहीं बिहार में भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे मौत का भी आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है और कालाबाजारी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कालाबाजारी क्योंकि लगातार रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी लगातार बिहार में बढ़ती चली जा रही है। ऐसा ही मामला एक पटना के रेनबो हॉस्पिटल से आया है, जहां अशफाक नाम के व्यक्ति ने अल्ताफ के परिवार यानी अल्ताफ कालाबाजारी कर रहा था और उसके रिश्तेदार अफताक जो रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा ये तमाम चीजें हो रही थी। वहीं अपराध इकाई के द्वारा एक टीम गठित की गई और जिसके बाद रात करीबन 10 बजे के आसपास 9-10 बजे के करीबन छापेमारी की गई रेनबो हॉस्पिटल में। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जिसकी कालाबाजारी लगातार बिहार में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसे अधिक दामों में बेचा जा रहा है। करीबन 50 से 60 हजार रुपए में एक इंजेक्शन बेचा जा रहा है और डॉक्टर भी इसे ज्यादा तौर पे लिख रहे हैं, जिसके बाद ये कालाबाजारी लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है और अपराध इकाई के लगातार इसकी सूचना मिल रही थी। पहुंचे हैं जांच के लिए सर। ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जाँच में उस चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर, जानकारी मिली कि आप लोग सबसे पहले यहाँ ग्राहक बनकर पहुंचे हैं, उसके बाद तो वो सर अभी रहने देते हैं। कितना लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी मिली, कितने जब यहाँ पे आए तो क्या गतिविधियाँ थी? अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जाँच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारे की हम लोग भी जांच कर रहे हैं। कौन अस्पताल आए हैं सर? रेनबो है। वहीं कल रात में ही छापेमारी की गई, जिसके बाद रेनबो हॉस्पिटल में छापेमारी की गई, जिसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़ा गया है और अफताब जो रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं उन्हें भी पुलिस ने पकड़ ली है। गांधी मैदान थाना और कोतवाली थाने के सहयोग से अपराध इकाई की पूरी टीम ने गठित कर इसमें छापेमारी की गई है। करीबन एक दर्जन से अधिक इसमें हॉस्पिटल शामिल है। जो एमआर है राजू, उन्होंने ये खुलासा किया है कि करीबन एक दर्जन से अस्पतालों को उन्होंने ये इंजेक्शन सप्लाई किया है। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ बातें सामने आई है? चल रही है, तो टेक्निकल बात है। कई डॉक्टर भी हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में नहीं है, पूछताछ की जा रही है। जो जानकारियां मिली है कि 6 फाइल जो दवा है रेमडेसिविर वो बरामद हुआ है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। इसके वो दवा भी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ये हमारे इंस्पेक्टर भी देखेंगे। हम लोग कर रहे हैं, भी इतना जल्दी कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। लगातार जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे उससे इसके अस्पतालों में इंजेक्शन की कीमत भी बढ़ रही थी और ऑक्सीजन की भी किल्लतें हो रही थी। तब तक के लिए आप बने रहे 10 जी न्यूज के साथ और देखते रहे 10 जी न्यूज।